अस्सलामुअलैकुम। आज हम टोयोटा कोरोला ग्रैंड में एयर सस्पेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें एयर बीएफटी के शॉक हैं और वायरलेस मोड वाले हैं, डबल कंप्रेसर वाले, और इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। आपको दिखाएंगे इसमें किस किस्म की ऑल्टरेशन होती है, किस किस्म की ऑल्टरेशन नहीं होती। आज हम इसकी फिटिंग करेंगे, आप इसकी डेड ड्रॉप भी दिखाएंगे और इसके कॉइल कवर का भी क्या काम है, और इसकी सारी फिटिंग हम साथ दिखाएंगे आपको। और अभी हम फिटिंग करने लगे हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, आया फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें बीएफटी में कैसी फिटिंग है और क्या ये गाड़ी हमारी 100 से ज़्यादा ड्रॉप करेगी। अब हम इसको इंस्टॉल करने लगे हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये हमारा फ्रंट शॉक है जो गाड़ी का ओरिजिनल कंपनी के साथ था, स्प्रिंग वाला, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा एयर सस्पेंशन वाला शॉक है। आप इन दोनों की फिटिंग चेक कर सकते हो, किसी किस्म की ऑल्टरेशन नहीं है, प्रॉपर नटबोल्ट्स नटबोल्ट फिटिंग है। जिस तरह इसका बैरिंग माउंटिंग है ओरिजिनल टोयोटा कोरोला में आता है, सेम इसी तरह हमें इसकी एयर सस्पेंशन भी मिलेगा। अभी हम इसका फ्रंट शॉक भी इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फिटिंग और इसकी फिटमेंट क्या बनती है। वाला शॉक इंस्टॉल करेंगे और इसका भी हम आपको दिखाते हैं, इसमें किसी किस्म की इंशाल्लाह ऑल्टरेशन नहीं होगी, प्रॉपर नटबोल्ट्स नटबोल्ट फिटिंग होगी। ये हम इसको ऊपर से फिटिंग मिल करेंगे पहले इसकी। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर अपनी फिटिंग में आया, किसी किस्म की हमें ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसके नटबोल्ट अपनी फिटिंग में इंस्टॉल हो रहे हैं। हमारे तीनों बोल्ट ऊपर लग चुके हैं और सेंटर में हमारा सॉफ्ट लॉक ऑफ है ना। अब हम नीचे से आपको चेक करवाते हैं, इसमें किसी किस्म की ऑल्टरेशन नहीं है। अब हम इसकी आपके साथ शॉक को ज्वाइन करेंगे और फिर आपको इसके साथ साथ दिखाते हैं इसकी एबीएस और इसमें जेल्डिंग का क्या किरदार है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसे इसके बोल्ट वगैरह लगाएंगे, फिर हम इसकी भी फिटमेंट के हिसाब से इसी कॉइल कवर की मदद से हम इसकी फिटमेंट भी बिठाएंगे और इसके बोल्ट भी आप देख सकते हैं प्रॉपर अपनी फिटिंग में आएंगे। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका बोल्ट इसकी प्रॉपर फिटिंग में बैठेगा, आप देख सकते हैं दोनों बोल्ट इसकी अपनी फिटिंग में प्रॉपर बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं बोल्ट हमारे लग चुके हैं, किसी किस्म में इसमें ऑल्टरेशन नहीं है, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग में इसके बोल्ट आए हैं, ठीक है। और इसका ब्रेक पार भी अपनी जगह पर लगेगा और इसका एबीएस वायर भी अपनी जगह इंस्टॉल होगा, हमें किसी किस्म की इसकी ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसका भी हम एबीएस और वायर के इसका बोल्ट लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम इसका कॉइल कवर की मदद से इसकी फिटमेंट बिठाएंगे। फाइनल हमारा शॉक इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका एबीएस और इसका ब्रेक पॉइंट भी अपने प्रॉपर, जिस तरह कंपनी से ओरिजिनल स्प्रिंग वाला शॉक आता है उसी तरह प्रॉपर अपनी फिटिंग में इंस्टॉल हो गया। और इसके बोल्ट भी आप देख सकते हैं प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसकी फिटमेंट बिठाएंगे, अगर तो हमें कॉइल कवर की ज़रूरत पड़ी एडजस्ट करने की तो हम एडजस्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसकी वेल्डिंग का भी कैसे इंस्टॉल करनी है। अभी हम इसका टायर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं क्या हमें इसकी कॉइल कवर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। मेरी टायर हमारा लग चुका है, अब हम इसकी जैकी मदद की फिटमेंट चेक करेंगे क्या हमें इसके कॉइल कवर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिटमेंट हमें करनी पड़ेगी, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटमेंट नहीं बैठी। तो अब हम इसका टायर उतारेंगे और इसकी कॉइल कवर की मदद से जितनी हमें इसकी ज़रूरत है फिटमेंट बिठाने की हम उसके उसकी एडजस्ट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फिटमेंट। ये टायर हमने उतार लिया, अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हम पहले इसका चेकिंग को जितनी हमें ज़रूरत है हम इसे ऊपर ले जाएंगे, उम्मीद है कि हमारी फिटिंग यहाँ प्रॉपर आ जाएगी। इस तरह कॉइल कवर की मदद से आप अपनी गाड़ी की फिटमेंट एडजस्ट कर सकते हो। ये फाइनल हमने एडजस्टमेंट सेट कर दी है, अभी हम इसको टायर पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, अगर फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर एक दफ़ा इसे सेट कर सकते हैं। अभी हम टायर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी चेक करते हैं। टायर हमने दोबारा इसका लगा दिया, अब हम इसकी दोबारा फिटमेंट चेक करते हैं। उम्मीद है कि हमारी फिटमेंट बन जाएगी, हमें फिर कॉइल कवर की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिटमेंट तो तकरीबन बन चुकी थी, लेकिन हमें इसकी
थोड़ी सी कोलर की मदद लेनी पड़ेगी। और अब हम इसका टायर फिर दोबारा उतारेंगे, फिर दोबारा हम इसकी फिटमेंट 19-20 का बस फर्क है, आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। तो ये चल भी सकता है लेकिन नहीं, इसकी प्रॉपर हम इंशाल्लाह फिटमेंट करेंगे फ्रंट और बैक के जैसे। दोबारा हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी हमें दोबारा एडजस्टमेंट कर दी है। अब हम इसे फिर टायर लगा के अच्छा करते हैं। अब दोबारा हम इसकी फिटमेंट चेक करते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी माशाल्लाह फिटमेंट हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हैं बैक की भी इतनी थी और फ्रंट की भी इतनी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह आदमी बोलेगा कि फ्रंट का हमारा, लेफ्ट साइड का हमारा शॉक प्रॉपर अपनी फिटिंग में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसका दूसरा शॉक इंस्टॉल करेंगे, उसकी भी फिटमेंट इसी तरह बिठाएंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं साथ। फिर इसके बाद हम इसकी पाइपलाइन करेंगे, अब हम आपको दूसरी तरफ का शॉक इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसकी दूसरी तरफ की फिटमेंट। अभी हमने इसका शॉक निकाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका शॉक इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको इस तरफ की फिटिंग फिटमेंट बना के दिखाते हैं। दूसरी तरफ का भी हमारा शॉक का मोल्डिंग ऊपर से फिटिंग में आ चुका है, फिटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं उसकी फिटिंग प्रॉपर, और इसकी फ्रंट की फिटिंग शॉक की प्रॉपर फिटिंग में आई है, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे से फिटिंग करते हैं, फिर इसकी भी फिटमेंट आपको बना के दिखाते हैं। दूसरी तरफ का भी हमारा शॉक इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें भी प्रॉपर अपने नटबोल्ट से नटबोल्ट में फिटिंग है, ब्रेक पाइप, एबीएस। अब हम इसका टायर लगाएंगे, इसकी फिटमेंट चेक करेंगे, क्या हमें इसकी भी कोलर की मदद से इसकी फिटमेंट करनी पड़ेगी या हमारी किसी तरह फिटमेंट हो जाएगी। पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी फिटमेंट बनाएंगे। अभी हम इसका आधी तौर पर टायर लगाएंगे, फिर हम इसके नीचे जैक लगा के हम इसके चेक करेंगे एक दफ़ा आधी तौर पर, क्या हमें कहाँ इसकी फिटमेंट बनानी है सेम उस तरह की जिस तरह हमने दूसरी तरफ की फिटमेंट बनाई थी। तो इस तरफ भी हम इसकी सेम उसी तरह की फिटमेंट बनाएंगे। फिर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसकी फिटमेंट चेक करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है हमें इसका। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, अब हम इसकी दोबारा एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इसकी हम फिटमेंट बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्क है, कभी नहीं चलेगा। एडजस्टमेंट हमारी दूसरी साइड की भी हो चुकी है, अब हम इसकी फिटमेंट चेक करते हैं। माशाल्लाह दोनों एक जैसी हमारी फिटमेंट बैठ चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी वेल्डिंग वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं उसका किस तरह से एडजस्टमेंट करके हमें इसकी वेल्डिंग इंस्टॉल करनी है। हमने इसकी वेल्डिंग भी उतार दी है, जिसकी अपनी कंपनी से ओरिजिनल वेल्डिंग आती है, ठीक है। जो एयर सस्पेंशन में ये नहीं लगी है, एयर सस्पेंशन में भी इसकी एडजस्टेबल वेल्डिंग लगी है, इसके लिए हम इसको एडजस्ट करेंगे। जितनी हम एयर सस्पेंशन गाड़ी को लोड करेंगे उसके हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट करके इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारा बैक वाला शॉक है, जो भी इस भाई ने शॉक और बिजन बाहर निकाला है, ये गाड़ी का ओरिजिनल स्प्रिंग वाला शॉक है। तो ये हमने इसको खोल लिया है, इसके प्रॉपर इसके नटबोल्ट जो वापसी इसी के हमने इसी के साथ लगा दिए हैं। और ये एयर बी एफ टी का शॉक है, इसमें कोयल कवर का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कोई ऑल्टरेशन नहीं है, नटबोल्ट से नटबोल्ट फिटिंग है। ये नीचे से इसकी फिटिंग है और इसकी प्रॉपर ऊपर से भी ओरिजिनल फिटिंग के साथ है। इसकी भी आप ओरिजिनल स्प्रिंग की या फिटिंग आप दोनों की फिटिंग चेक कर सकते हो, सेम एक जैसी फिटिंग है, किसी किस्म के इसके अंदर ऑल्टरेशन नहीं है। अभी हम इसका बैक शॉक इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते हैं, और इसकी फिटमेंट कैसे बनती है वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो फाइनल हम इसका बैक वाला शॉक इंस्टॉल करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं इसमें किसी किस्म की ऑल्टरेशन नहीं है, प्रॉपर इंशाल्लाह फिटिंग करने में बैठेगा।
देख सकते हैं प्रॉपर अपनी फिटिंग में बैठ गया शॉक। और इसको नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, या देख सकते हैं प्रॉपर अपनी फिटिंग में बैठा है, किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं है और नट कुछ नट कुछ की फिटिंग है। और इसकी हम अभी आपको फोटो भी चेक करवाते हैं। अरे फाइनली हमारा शॉक ब्रेक वाला इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसकी टाइल लगा के आपको फिटमेंट चेक करवाते हैं। अगर हमें इसे इसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसे दोबारा इसका खोल दोगे से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसका व्हील लगा के इसकी ऐसे ही स्पोर्ट्स के ऊपर ही हम इसकी टाइल लगा के ऐसे ही इसकी फिलहाल फिटिंग चेक करेंगे कि इसकी फिटमेंट ठीक है। और अगर इसमें फिटमेंट में मसला आ रहा है तो खोल दोगे से हम इसकी फिटिंग दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम टाइल लगा के इसको नीचे आधी दोपहर चेक लगाएंगे, इसकी फिटमेंट चेक करेंगे। अगर हमारी फिटमेंट यहाँ ठीक आती है तो हमें फिर किसी किस्म की और कोई दौर की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ये अभी हमने इसका चेक लगाया लेकिन इसकी फिटमेंट हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बनी। लेकिन ये है कि आप इस काम दोबारा इसका शॉक वाइज निकालेंगे, उसका कोई दौर से हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम इसे दोबारा इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। चलिए हमने दोबारा इसकी कोई दौर की एडजस्टमेंट कर लिया, हमारी फिटमेंट में थोड़ी इससे हो रही थी, अब इसे हम दोबारा चेक करेंगे। ये जी फिटमेंट हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हैं लोअर एडर में आपको इस तरह की फिटमेंट कभी भी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी लेकिन इसमें ऑडिशन बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें ऑडिशन किसी किस्म की नहीं है, प्रॉपर नट से नट फिटिंग है। आप देख सकते हैं कल को आपने वैसे भी घर में रेगुलर गाड़ी इस्तेमाल करनी हो तो अगर शो पर नहीं जाना तो आप इसे कोई कवर से हाइट बढ़ा के रेगुलर भी इसे अगर आप कवर हाइट रखना चाहते हैं तो इसे आप फिर भी इस्तेमाल करें। जब आपने शो पर जाना हो तो आप इसे काफ़ी नीचे डाउन करके आप आगे फिर अपनी गाड़ी अपने लेवल पर सेट कर सकते हो। अभी हम इसकी दूसरी तरफ की आपको फिटिंग चेक करवाते हैं, फिटमेंट फिर आपको दिखाता दिखाते हैं। हमारी दूसरी तरफ का भी इसका शॉक इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी भी फिटमेंट चेक करते हैं। अभी हम इसका टायर लगाएंगे फिर इसकी जैक की मदद से हम इसके ऊपर ही ऐसे गाड़ी की पहले फिटमेंट चेक करेंगे, फिर अगर हमारी इस तरफ की फिटमेंट में मसला आ रहा है तो हम इसे कोयलर की मदद से हाइट एडजस्ट सेट कर सकते हैं। और लग चुका है, अब हम इसकी फिटमेंट चेक करते हैं किस तरफ का क्या रिजल्ट मिलता हमें। लेकिन माशाल्लाह इस तरफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब कोई दौर की मदद से हमें इसके एडजस्ट करने की, हमारी सेम एक जैसी दोनों तरफ की फिटमेंट बन चुकी है। फिर आप देख सकते हैं अभी इंशाल्लाह जब गाड़ी डोन होगी फिर आपका इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसकी फिटमेंट चेक कर सकते हैं, अभी हम इसे साथ भी उठा सकते हैं लेकिन हमने इस लेवल की इसकी फिटमेंट किया कि अगर हम गाड़ी फुल डोन भी चलाएँ तो ये हमारी गाड़ी आराम से चल सके, इसे कुछ किसी किस्म की फेंडर के साथ टायर लगने में मसला ना हो। तो फाइनल हमारी पाइपलाइन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं हमारी पाइपलाइन हो गई है। हमने बैक को प्रेशर भी दे दिया, ये आप देख सकते हैं बैक को प्रेशर भी दे दिया हमने, ठीक है। अब हम इसके टायर वगैरह लगाएंगे फिर इसके बाद हम गाड़ी को डोन गए। बैक पर भी आप चेक कर सकते हैं हमने इसको प्रेशर दे दिया, ठीक है। और हमारी पाइपलाइन और वायरिंग हो चुकी है, अब हम इसके अंदर टायर इंस्टॉल करते हैं, टायर लगा गाड़ी को डोन करते हैं, फिर इसकी लुक वगैरह दिखाते हैं। इसमें 8 mm का पाइप है, आप देख इसमें इसके चांसेस भी होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तरफ उम्मीद है। अब हम इसके टायर वगैरह लगाएंगे फिर हम इसको डोन करते हैं, इसकी वर्किंग आपको चेक करवाते हैं। एयर बीफ्टी कंप्रेसर है, वायरलेस मोड पर गिट है ये विदाउट बिल्कुल, आप देख सकते हैं। इस तरह भी हमने इसका टायर बैश को प्रेशर दे दिया, अब हम इसको डोन करते हैं गाड़ी को, टायर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, फिर से डाउन करते हैं, फिर से चेक करते हैं और इसकी लुक वगैरह हम आपको दिखाते हैं। फाइनल हमारी एयर बीएफटी इंस्टॉल हो चुकी है, अब मैं आपको इसकी फिटमेंट चेक करवाता हूँ। हमारी 100 से बढ़ के इसकी फिटमेंट बनी है, आप इसकी डोन चेक करो गाड़ी, गाड़ी को डोन चेक करो, गोलगबर की मदद से हम इसे अपनी मर्जी से इसकी फिटमेंट बना सकते हैं। आप इसकी माशाल्लाह बहुत कमाल की फिटमेंट बनी है, आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों। एयर बी एफ टी में हमें कोयलर की मदद से अपनी मर्जी के हम फिटमेंट बना सकते हैं, आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटमेंट बनी है।